नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट एक। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट एंड अल्टीमेट फ्री अल्टरनेटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल होते ही सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हूबहू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही दिखने वाला, इनफैक्ट वर्क करने वाला ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका नाम है WPS Office। आप में से कई लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो आज इसका यूज समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा टूल आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आप WPS Office सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पे जाएंगे और यहां पर वेबसाइट का इंटरफेस आप देख सकते हैं। फ्री ऑल इन वन ऑफिस सूट आपको यहां पे मिलते हैं और आप चाहे मैक यूजर हो, विंडोज यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, iOS यूजर हो या फिर लिनक्स यूजर हो, आप किसी भी टाइप के यूजर हो, आपके लिए ये टूल अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात है, फिर से बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। तो चलिए, तो फ्री डाउनलोड पर हम यहां पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी फाइल्स आप इस सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की DOCX फाइल हो या फिर पावर पॉइंट की PPTX फाइल हो या फिर एक्सेल की XLX फाइल हो, इसमें ओपन हो जाएगी आराम से। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए वर्जन और पुराने वर्जन सभी की फाइल इसमें ओपन हो जाएगी और साथ ही आप PDF के साथ भी आप इस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, PDF को एडिट वगैरह, क्रिएट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये टूल हमारा डाउनलोड होके अब इंस्टॉल हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ के साथ मैं यहाँ पे प्रोसेस करता जा रहा हूँ। सिंपल, जैसे आप सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम WPS Office को रन कर लेते हैं। लेटेस्ट WPS Office का जो इंटरफेस है ये एकदम आपको ऑफिस 365 जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा 365 ऑफिस है, आपके पास साइड में बार आ जाती है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी के आइकन आ जाते हैं, वैसे ही इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इसे जीमेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस टूल को, तो और भी कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक 1GB का क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगी और जिन भी डिवाइसेस में आप अपनी सेम जीमेल के साथ लॉगिन करेंगे, आप उनके बीच सिंक कर सकते हैं, यानी कि एक ही फाइल पर आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही PDF कन्वर्जन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो इसलिए जब इतने सारे फीचर मिल रहे हैं तो हम साइन इन कर ही लेते हैं कि ऑफलाइन यूज करें। साइन इन करने के बाद आ जाते हैं अपने WPS Office के इंटरफेस में। यहाँ जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आइकन्स मिलते हैं, उससे मिलते जुलते ही आइकन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि आप पहचान जाएं कि हाँ ये वर्ड का आइकन है, पावर पॉइंट का, ये एक्सेल का। मैं यहाँ आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में क्रिएट की हुई फाइल्स को ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए, आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी फाइल्स आप इसमें ओपन कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसे भी आप काम करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ आप कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी लाइसेंस के झंझट के। साथ ही PDF का भी ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है। PDF को एडिट करना, PDF को क्रिएट करना, सभी तरीके के टास्क आप इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। एक्सेल में भी मैं आपको बता देता हूं कि सेम टू सेम आपको एक्सेल ही यहां पे मिलता है। MS Office के फॉर्मुलेज वगैरह भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेम एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसके अलावा टेम्पलेट्स भी आपको मिलती है, जिन्हें यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट बहुत तेजी से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये सब आपको मिलता है एकदम फ्री। और मजे की बात, एक और फीचर WPS यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की तरह ही एक फीचर, जिसका नाम है WPS AI। इस फीचर की हेल्प से आप सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट में AI की हेल्प से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, चाहे ऐसे जनरेट कर सकते हैं, जो भी आपको लेटर वगैरह जो भी जनरेट करना हो, जस्ट आप अपनी क्वेरी लिख के आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। PDF के साथ भी आप इस AI को पायलट का यूज ले सकते हैं, किसी PDF को आपको समराइज करना हो या फिर PDF में से आपको क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हो, सब काम कर देगा ये WPS AI। बाकी एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए भी जल्द ही यहाँ पे कोपायलट यानी कि WPS AI यहाँ पे आने वाला है, यानी कि ये जो टूल है दिन पे दिन अपने आप को और डेवलप कर रहा है और तगड़ी टक्कर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। और मजे की बात तो ये है कि ये सब चीजें आपको मिल रही हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको क्लाउड स्पेस या फिर क्लाउड कोलैबोरेशन जैसे फीचर्स चाहिए, यानी कि ज्यादा क्लाउड स्टोरेज चाहिए, या फिर PDF पर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, हर तरीके की एडिटिंग आप PDF के साथ कर पाए, तो आप इसका क्वार्टरली या फिर ईयरली परचेज प्लान परचेज कर सकते हैं,
हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपैरिजन में बहुत कम है। यूज़ करके देखिए, खास तौर से तब जब आपके पास ऑफिस ना हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो, और तब ये आप फील कीजिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कमी फील हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आपका फ्री में काम बढ़िया चल रहा है। और फोन में भी अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करें, iOS यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि चलते फिरते आप अपने फोन में इस एप्लीकेशन का यूज करके वो भी फ्री में अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।